मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। बाईपास रोड पर लाइट की व्यवस्था ना होने से नागरिकों को रात्रि में परेशानी का सामना करना पड़ता था। नगर के अधिकांश बासिंदे इसी रोड पर सायंकाल से वॉक करने आते हैं। ऐसी स्थिति में नगर से बाहर रोड होने से प्रकाश की कोई व्यवस्था ना होने से नागरिकों ने परिषद अध्यक्ष महोदय से स्ट्रीट लाइट की मांग की। चूंकि वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से विभागीय स्वीकृति व निविदा के कार्य को संपादन करने में समय लगता, इसलिए अध्यक्ष महोदय द्वारा तत्काल विचार विमर्श कर वैकल्पिक व्यवस्था बतौर पुराने पोल लगाकर 3 दिन में ही बिना खर्च के ही आज सोलापुर पर LED लैंप के रोड से अंधेरे से मुक्त कर दिया। नगर परिषद अध्यक्ष मंटी डामोर, सांसद प्रतिनिधि दिलीप कटारा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष विश्वास सोनी, वार्ड नंबर 1 के युवा पार्षद गजेंद्र चौहान, आंचलिक पत्रकार संघ जिला अध्यक्ष सुधीर शर्मा, समाजसेवी अली सेठ, अनिल भंडारी, प्रफुल्ल तलेरा, लक्ष्मण राठौर सहित नगर के गणमान्य नागरिक पत्रकारगण मौजूद थे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम पत्रकार सुधीर शर्मा ने विद्युत पोल की पूजा अर्चना कर कहा कि परिषद अध्यक्ष अपने वादे को निभाते हुए नगर परिषद में एक और जनहित के कार्य को कर यह साबित कर दिया कि परिषद नगर विकास में पूर्ण रूपेण दृढ़ संकल्पित है। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित सांसद प्रतिनिधि दिलीप कटारा ने श्रीफल चढ़ाकर कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम में परिषद अध्यक्ष बंटी डामोर ने बताया कि नगर के नागरिकों विशेष रूप से माता बहनों के आग्रह पर अस्थायी रूप से पोल लगाकर अभी व्यवस्था की है। दीपावली पूर्व विधिवत बाईपास का सौंदर्यीकरण कर रोशन करेंगे। अभी इस कार्य में परिषद का किसी भी तरह का कोई व्यय नहीं किया गया। परिषद कर्मी की मेहनत से आज रोड जगमगा रहा है। कार्यक्रम में भाजपा नेता विश्वास सोनी ने कहा कि बिना खर्च के अध्यक्ष महोदय द्वारा नगर हित में सर्वोच्च कार्य किया है, जो प्रशंसनीय है। कार्यक्रम में परिषद नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मण राठौर ने कहा कि नगर विकास में हम परिषद के साथ है। 16 पोल लगाकर प्रकाश की व्यवस्था करना वो भी बिना व्यय के तारीफ काबिल है। नगर की ओर से हम सभी अध्यक्ष महोदय का आभार मानते हैं। नगर के समाजसेवी प्रफुल्ल तलेरा ने कहा कि नगर के अधिकांश जनता बाईपास रोड पर घूमने जाती है। प्रकाश की व्यवस्था न होने से महिलाओं में डर रहता था। व्यापारी एसोसिएशन के अनिल भंडारी ने भी रोशनी की व्यवस्था हेतु अध्यक्ष महोदय को सुझाव दिए थे, जिससे बंटी डामोर ने शहर से मानकर मात्र 3 दिवस में रोड पर रोशनी कर अंधेरे से मुक्त कर दिया। वे बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम में नगर के नागरिक परिषद के जसदीप अरोरा, विद्युत प्रभारी रमेश डामर, रायमल महबूब सहित पत्रकारगण, आंचलिक पत्रकार संघ थानला इकाई अध्यक्ष हदत खान जावेद, महिला पत्रकार नीलिबा डाबी, अटल सामाजिक संस्था प्रमुख और पत्रकार राजू धानक, साहिद खान, जामिल खान उपस्थित थे। थानला से नीलिमा डाबी की रिपोर्ट। सहयोग करा और समर्थन भी दिया तो मेरे कर्मचारी ने भी, फिर 2-3 दिन के दिन ये रमेश भाई लाइन में और छोटे कर्मचारी थे वो भिड़ गए और 4 दिन में ये रिजल्ट आपके सामने स्ट्रेट लाइन का। हमने हमारे नगर के माता बहनों ने जो भी हम कार्य बताया था वो आज हमने ये वादा उनका पूरा किया। ये वैकल्पिक व्यवस्था करी है मैंने और जब भी सुंदरीकरण का रहेगा बाईपास का, मैं सुंदरीकरण का एक अच्छा और इसको एक अच्छा यहाँ से लगा के पुल तक में और अच्छी नई लाइटिंग और नए पुल भी लगाने का मैं प्रयास करूँगा। लोगों में अभी भी भ्रम की स्थिति है कि नगर पालिका ने जो वैकल्पिक व्यवस्था की है उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से नगर परिषद का हित है। तो ये आप क्लियर करें कि एक बजट के अनुरूप आपने ये लाइट की व्यवस्था की है या जनता की सेवा के लिए लाइट की व्यवस्था की है? मैं जो भी हमारे नगर के जो भी भाई बंधु जो भ्रम फैला रहे हैं, ये नगर पालिका के पैसे से हमने नहीं करा है। कोल वेस्टेज पड़ा था उसका हमने पुराने पड़ा था वो नगर पालिका के खजाने पे ना बोझ पड़े और ना नगर के भाइयों पे बोझ पड़े। वैकल्पिक व्यवस्था करी, पुराने पोल पड़े थे वो हमने वहाँ से वाटर वेस्ट ला के और उसको यहाँ पे एक नई उजाला के रूप में नगर को एक नगर परिषद द्वारा एक आज हम सब आना जाना घूमना वगैरह सुबह शाम मॉर्निंग वॉक वगैरह ये वो करते थे। अंधेरे के कारण बहुत लोग परेशान होते थे और जो नगर की जनता ने मांग रखकर बंटी भाई से जो भी कार्य बंटी भाई ने किया है, हालांकि परिषद में मंजूर हो जाएगा, बाकी बंटी भाई ने अपना विवेक से और सभी पार्षदों को मौखिक बताकर जो कार्य किया है वो सराहनीय है। प्रतिपक्ष नेता होने के उपरांत भी आपने अभी ये कहा कि यहाँ पे जो व्यवस्था हुई है ये चूंकि टेम्परेरी व्यवस्था है, अभी ऑफिशियली तौर पे या विभागीय तौर पे कहा जाए कि इस कार्य को करने के लिए जो भी निविदा वगैरह आमंत्रित होगी, तो आपका ये कहना था कि हमें बुलाए या नहीं बुलाए या हमें हमसे विचार विमर्श करे या नहीं करे, तो ये कोई समझ में नहीं आता है। जनता के हित में यदि कोई कार्य है, आज जनता के यदि नगर में कोई आग लग गई मान लो और फायर ब्रिगेड के लिए फोन आया, अध्यक्ष महोदय हम सब क्या परमिशन थोड़ी
नगर अध्यक्ष के रूप में श्रीमती डामोर को जनता ने चुना था और निश्चित यह परिषद इन चार सालों में नगर में सड़कों का निर्माण, गड्ढों का निर्माण और ऐसे तत्वरित का जैसा कि आप लाइट का कह रहे हैं, जनता की आवाज़ की तत्काल में जो व्यवस्था थी इसके लिए कोई स्पेशल बजट नहीं था और ऐसी कोई बात नहीं थी, मतलब नगर पालिका के पास जो भी संसाधन थे, पुराने पोल, लाइटें और तार जो उपलब्ध थे उनको लगाकर जनहित में कार्य करने के लिए नगर परिषद थानला तत्पर है और यह एक हमारे लिए गर्व की बात है और यह विकास जैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, देश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान और उन्हीं के अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, क्योंकि परिषद भी भारतीय जनता पार्टी की है और निश्चित नए विकास की ओर अग्रसर होने के लिए